नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिति अवस्थी। 10 जुलाई को यूपी पुलिस के 8 जाबाजों की हत्या करने वाले अपराधी विकास दुबे का कानपुर में एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन विकास दुबे से जुड़े कई राज ऐसे हैं जिनकी सच्चाई सामने आनी बाकी है। आज जी न्यूज अपने इन्वेस्टिगेशन में विकास दुबे के नेटवर्क से जुड़ा बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सबसे पहले विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताते हैं। विकास दुबे ने बताया था कोर्ट में सरेंडर करने का प्लान। एनकाउंटर से पहले कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था विकास दुबे, ये अहम जानकारी हमें मिली है। विकास दुबे के सहयोगियों की बातचीत से ये बड़ा सच सामने आया है। जी न्यूज के पास विकास दुबे के सहयोगियों की बातचीत का ऑडियो मौजूद है। विकास दुबे के सहयोगियों ने उसके सरेंडर प्लान का सच भी बताया और ये हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी जी न्यूज ऑडियो को आपको सुनाएगा किस तरीके से यह पूरा प्लान बनाया गया था। तो जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन में किए जा रहे इस बड़े खुलासे से जुड़ी बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। पहली बड़ी बात, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विकास दुबे के सरेंडर की योजना बनाई गई थी। विकास दुबे अपने सहयोगियों के साथ ग्वालियर पहुंचा था। दूसरी बड़ी बात, विकास दुबे ने औरैया में मौजूद अपने परिचितों से मदद मांगी थी, इस बात का भी अहम खुलासा हुआ है। तीसरी बड़ी बात, इसके अलावा बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद फरार हुआ विकास दुबे सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉल्स करता था ताकि उनका रिकॉर्ड ना रहे। चौथी बड़ी बात, हमारी इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि विकास दुबे को अपनी मुखबिरी का लगातार डर सता रहा था। पांचवी बड़ी बात, जी न्यूज के इन्वेस्टिगेशन में यह सच्चाई भी सामने आई है कि सहयोगियों का पूरा नेटवर्क विकास दुबे को बचाने में दिन रात लगा हुआ था। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि इस बड़े खुलासे की पूरी सच्चाई क्या है, बताने के लिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे सारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको विकास दुबे के सहयोगियों के बीच हुई पूरी बातचीत सुनवाते हैं, किस तरह विकास दुबे को यूपी पुलिस से बचाकर अदालत में सरेंडर करवाने का प्लान बनाया गया था। विकास दुबे कानपुर वाला, जिसका नाम अपनी मौत के बाद भी अपराधियों और पुलिस, अपराधियों और नेताओं के गठबंधन का प्रतीक बनकर जिंदा है। अपने 8 साथियों की हत्या करने वाले विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन आज भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। 2 और 3 जुलाई के बीच की रात को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस वालों की हत्या करके विकास दुबे कैसे भागा, कहां कहां गया, किसने उसकी मदद की और बचने के लिए उसने क्या प्लान बनाया था, इसे लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं। आज जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन में हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से बचने के लिए विकास ने कौन सी योजना बनाई थी और विकास दुबे का सरेंडर प्लान किसकी वजह से बार बार अटक रहा था। जी न्यूज के हाथ विकास दुबे के 2 सहयोगियों की बातचीत का एक ऑडियो लगा है। विकास दुबे के सहयोगियों की बातचीत का एक वायरल ऑडियो हमें मिला है। जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बातचीत सुनने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह विकास दुबे को बचाने के लिए उसके सहयोगियों का पूरा नेटवर्क लगा हुआ था और विकास दुबे ने एनकाउंटर से पहले अदालत में सरेंडर करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। सबसे पहले आप जी न्यूज को मिले विकास के 2 सहयोगियों की बातचीत सुनिए। हो जाए मदद, हो जाए थोड़ी देर, आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ हाँ वो समझ रहे हैं। तो अब आप कह दो, लेकिन यार बात सुनो भाई,
हमारा मतलब हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको रहने की जाने की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर हम पहुंच चुके हैं। अच्छा हाँ, और सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है, बस ये है दिक्कत है। अच्छा अच्छा, तो हम उनको बोल मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में, आप समझ रहे हैं सब कुछ हो जाएगा। यानी विकास दुबे के साथ मौजूद उसके सहयोगी उसके सभी परिचितों से बात करके मदद मांग रहे थे, और विकास दुबे बिकरू में पुलिस वालों की हत्या करने के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचा था, और वहीं से वो अदालत में सरेंडर करने का प्लान बना रहा था। इस ऑडियो में विकास के सहयोगी आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उससे ये भी मालूम चलता है कि विकास दुबे समझ चुका था कि उसके पास कोर्ट में सरेंडर करने के अलावा कोई और चारा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह से उसे तलाश रही थी वो बहुत दिनों तक छिप नहीं सकता था। बाकी देखो सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ उनका ठीक रहेगा, बस वही चारा है और तो कोई चारा है नहीं। मैं और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं, उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। विकास दुबे के सहयोगियों की बातचीत से ये भी मालूम चला कि विकास को अपने ही लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। विकास को डर था कि उसकी मुखबिरी भी हो सकती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखबिरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। नहीं नहीं, कोशिश को पूरी है। अब एक्चुअली सोच भाई आप तो बड़े हैं सबसे, अब आपका नंबर ही पहले नहीं मिल रहा था, तो और ये बताया कि आपके एक रिश्तेदार हैं, उनसे कॉन्टेक्ट हो जाएगा। भाई किया गया लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिया आपका, फिर आपका नंबर मिल गया, फिर आपसे कॉन्टेक्ट हुआ, फिर बात करने की इसलिए प्रॉब्लम थी कि दिन में थोड़ा भागा दौड़ी हो रही थी। भाई वो कॉलिंग आपकी कॉल आ रही थी, तो भाई ने कहा कि भाई अभी कोई भी बात मत करो, तो पहुंच जाओ सिस्टम से बैठ जाओ, तो फिर आराम से सुकून से बात करना। जी न्यूज को मिले विकास दुबे के सहयोगियों के इस ऑडियो से साफ साफ मालूम चल रहा है कि विकास को बचाने के प्लानिंग में पूरा सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन इस ऑडियो में जो लोग बात कर रहे हैं वो कौन हैं? क्या विकास का जो सहयोगी अदालत में सरेंडर की योजना बता रहा है विकास दुबे भी उसके साथ मौजूद था? विकास दुबे के औरैया में मौजूद जिस परिचित से मदद मांगी जा रही है वो कौन था, और क्या वो विकास दुबे की मदद कर पाया? इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। पूरे खुलासे के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो जी न्यूज पर ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव, जिससे ये अहम जानकारी मिली है कि विकास दुबे ने कोर्ट में सरेंडर करने का प्लान बनाया था। ये अहम खबर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। एनकाउंटर से पहले कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था विकास दुबे। विकास दुबे के सहयोगियों की बातचीत से जुड़ा ये बड़ा सच हमारे हाथ लगा है। जी न्यूज के पास विकास दुबे के सहयोगियों की बातचीत का ये ऑडियो मौजूद है। विकास दुबे के सहयोगियों ने उसके सरेंडर का पूरा सच इस ऑडियो में बताया है। ये ऑडियो हमारे हाथ लगा है, और हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो ये अहम जानकारी सामने आई है उसके बारे में और अपडेट लेने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस ऑडियो से साफ हो रहा है कि अदालत में सरेंडर करने का प्लान बनाया गया था, क्योंकि पूरे इनके गैंग को यह अंदाजा हो गया था कि सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल अदिति, देखिए जब ये 2 और 3 जुलाई की रात में घटना हुई उसके बाद से ही विकास दुबे फरार हो गया था। सूत्र हमारे बता रही जो ऑडियो टेप सामने आया है ये 2-3 जुलाई के एक दो दिन बाद का ही ऑडियो टेप है, जब विकास दुबे लगातार फरार था, उसके सहयोगी उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसको सरेंडर कराने की योजना तैयार कर रहे थे कि अदालत में विकास दुबे का सरेंडर हो जाए, ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। और आप देखिए विकास दुबे व्हाट्सएप कॉल पर बात करता है, इस बात का भी खुलासा उसके सहयोगी कर रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि जो सहयोगी विकास दुबे के बिहाव पर बात कर रहा है, क्या उसके आसपास विकास दुबे भी मौजूद था, और वो अपने बिहाव पर उस अपने सहयोगी से अलग-अलग लोगों से बातचीत करा रहा है औरैया में, और कुछ और लोगों से संपर्क करने की बात कर रहा था, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि विकास दुबे व्हाट्सएप कॉल ही पहले से करता रहा, इस घटना से पहले भी वो जिससे भी बात करता था गोपनीय ढंग से वो उनको व्हाट्सएप पर कॉल करता था, तो क्या ये कहीं विकास दुबे की आवाज तो नहीं कोई और बनकर विकास दुबे बात
कर रहा हो ताकि उसकी पहचान उजागर ना हो और वो मदद के लिए अलग अलग लोगों को फोन कर ले। इसलिए इन आवाजों की पुष्टि होना बेहद जरूरी है कि ये किसके किसके बीच की बातचीत है, औरैया में किसको किसको विकास दुबे ने संपर्क किया था, और एक पूरी योजना, जैसा कि ऑडियो टेप में साफ हो रहा है कि एक पूरी योजना बनाई गई थी सरेंडर कराने की, फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया था, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, सब कुछ सेट हो गया है, इन तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, और विकास दुबे लगातार जो उसके मददगार थे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था अदिति। तो इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सिस्टम में विकास दुबे का संक्रमण इस तरह से फैला हुआ था कि लोग उसकी मदद लगातार करने की कोशिश कर रहे थे। दर्शकों को बता रहे हैं विशाला, बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज हम देना चाहते हैं, जिसके मुताबिक बिकरू से फरार होने के बाद विकास दुबे का सहयोगी गुड्डन त्रिवेदी कर रहा था विकास के सरेंडर की पूरी व्यवस्था। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं, विकास दुबे का सहयोगी गुड्डन त्रिवेदी बात करना चाहता था उसके सरेंडर को लेकर, गुड्डन त्रिवेदी से बात नहीं होने से विकास बहुत परेशान था, अपने फेसबुक अकाउंट को बंद करवाना चाहता था विकास दुबे, और गुड्डन विकास के फेसबुक पेज का एडमिन था। तो ये अहम जानकारियां एक के बाद एक हमारे पास आ रही हैं, और लगातार विशाल ये सब अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। लेकिन आपको विकास दुबे पर जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन के खुलासे से जुड़ी कुछ और जानकारियां अभी देना बहुत जरूरी है। पहली बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे के सहयोगी गुड्डन त्रिवेदी ने बनाया था विकास दुबे के सरेंडर का पूरा प्लान। इसके अलावा चौबेपुर का निलंबित थानाध्यक्ष विनय तिवारी और गुड्डन त्रिवेदी विकास दुबे को लगातार बचा रहे थे। तीसरी बड़ी खबर है कि गुड्डन से बात नहीं हो पाने से विकास का अदालत में सरेंडर करने का ये पूरा जो प्लान था वो लेट हो रहा था। चौथी बड़ी खबर ये है कि दुबे अपना फेसबुक पेज भी डिलीट करवाना चाहता था। पांचवी बड़ी खबर ये है कि गुड्डन त्रिवेदी विकास के फेसबुक पेज का एडमिन था। विकास दुबे के अपराध के साम्राज्य को चलाने में उसके सहयोगी भी बड़ा रोल अदा करते थे। विकास दुबे का एक ऐसा ही सहयोगी था गुड्डन त्रिवेदी, जो जुर्म में उसका सहयोगी भी था और उसका सबसे बड़ा राजदार भी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली, जब मुंबई एटीएस में तैनात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने ठाणे थाना क्षेत्र के एक इलाके से उसे पकड़ा था। गुड्डन भी बिकरू हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था, और जी न्यूज को मिले ऑडियो में विकास दुबे के दोनों सहयोगियों की बातचीत ये साबित करती है कि गुड्डन विकास दुबे के लिए कितना महत्वपूर्ण था। सुनिए गुड्डन त्रिवेदी से बातचीत नहीं होने के बाद कितना परेशान था विकास दुबे। इस पूरे ऑडियो की शुरुआत गुड्डन के बारे में पूछताछ से शुरू होती है। गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन, गुड्डन का नंबर ही नहीं लग रहा था। गुड्डन कहाँ पे है? गुड्डन के यार कोई आइडिया नहीं लग रहा भैया, नंबर तो ऑफ जा रहा, हमने भी कोशिश की। औरैया और ग्वालियर में विकास दुबे के सहयोगियों के बीच हो रही इस बातचीत में बार बार गुड्डन का जिक्र आ रहा था। गुड्डन विकास दुबे का कितना बड़ा राजदार था ये समझने के लिए इतना ही काफी है कि विकास के फेसबुक पेज का एडमिन भी गुड्डन त्रिवेदी था, और विकास चाहता था कि फेसबुक पेज बंद हो जाए। गुड्डन कहाँ है आजकल? लेकिन गुड्डन तो गायब होगा, और कहाँ होगा? गुड्डन से आप एक चीज कह देना, अगर बात हो पेज बनाया था उसका एडमिन है ये। अच्छा ठीक है, नहीं गुड्डन है और जो और गुड्डन त्रिवेदी और गुड्डन त्रिवेदी दो लोग और है, एक पेज चल रहा है पूरा और सोशल मीडिया पे वो टोटल हाईलाइट है। अच्छा अच्छा, अब भाई हम प्रेजेंट समय तो कह नहीं सकते, नंबर ऑफ जा रहा है और बाकी आप जो कहो तो हम बता दें पूरा। विकास दुबे और उसके सहयोगी इसलिए भी परेशान थे क्योंकि गुड्डन का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। विकास भी किसी तरह एक बार गुड्डन से बात करना चाह रहा था क्योंकि गुड्डन से बात किए बगैर वो अदालत में सरेंडर भी नहीं कर सकता था। गुड्डन का कांटेक्ट कैसे हुआ आप बता? गुड्डन त्रिवेदी का? हाँ, क्योंकि नंबर जा रहा है देखो ऑफ।
आप जा रहे हैं नंबर उनके भाई, भाई छोटी छोटी मोटी घटना तो है नहीं। नहीं भाई, बहुत बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब कोई सबको समझ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई भी पता नहीं चल रहा है, पूरा प्रोस्पेक्टर इनकी वजह से हो रहा है। इस बातचीत के दौरान विकास दुबे के सहयोगियों ने चौबेपुर के निलंबित थाना अध्यक्ष और विकास दुबे के सहयोगी विनय तिवारी का नाम भी लिया था, और गुड्डन त्रिवेदी और विनय तिवारी विकास दुबे के लिए कितना बड़ा रोल अदा करने वाले थे इसकी बात भी की गई थी। समस्या ये है कि गुड्डन से किसी तरह संपर्क, भाई गुड्डन का नंबर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा जी वो संपर्क। हमारे पास एक नंबर और था जो आप दे रहे, जो आपने भेजा था वो भी नंबर, उससे भी मिलाया हमने, दोनों नंबर बंद है। अच्छा, नहीं दूसरा वाला तो ऑफ ही है काफी दिनों से। अच्छा, हाँ अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मेन करता रहता पूरा गुड्डन के हाथ में था सब, कोई जानकारी सब कुछ। अभी विनय तिवारी गए हैं उनके हाथ में, गुड्डन के हाथ में। अच्छा, हाँ बाकी सब कुछ पूरा नॉर्मल था, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं। गुड्डन से कह देना इस नंबर पे आप मैसेज कर लें बस। अच्छा ठीक, गुड्डन से केवल एक बार मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। ठीक। और चौंकाने वाली बातें इस ऑडियो क्लिप से हमें पता चल रही है। विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, जिस तरीके से हम यहाँ पर गुड्डन त्रिवेदी या जो बाकी के लोग थे जो विकास के गैंग के, उनका नेक्सस देख रहे हैं, वो भी बहुत चौंकाता है। बिल्कुल अदिति, देखिए क्योंकि विकास दुबे का नेक्सस बहुत बड़ा था, उसके गैंग में बहुत से लोग सक्रिय थे और अलग अलग इलाकों में उसके गैंग के लोग सक्रिय थे, तो ये जो ऑडियो टेप सामने आया है इससे साफ हो जाता है कि गुड्डन त्रिवेदी से विकास दुबे बात करना चाहता था। क्या पता गुड्डन त्रिवेदी के पास बहुत सारे राज हो, क्योंकि मुंबई में उसकी गिरफ्तारी होती है, यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ आती है, उससे पूछताछ भी की होगी। क्या गुड्डन त्रिवेदी से विकास दुबे के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की जानकारियां भी मिली होंगी, और क्या पता विकास दुबे को यही डर लग रहा हो कि गुड्डन त्रिवेदी के पास उसके बहुत सारे राज रहे होंगे। एक विनय तिवारी का जिक्र आता है जो कि इस वक्त जेल में है, तत्कालीन एसएचओ था चौबेपुर का। इन दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि इस बातचीत में जिनके नाम लिए गए, इससे ये बिल्कुल साफ होता है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को जो लोग मदद पहुंचा रहे थे उनका नेक्सस बहुत लंबा था। इसकी जांच होनी चाहिए, और गुड्डन त्रिवेदी के पास ऐसा क्या राज था जिससे बात करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान था विकास दुबे। जिस तरह से हमने उसके सहयोगियों की बातचीत सुनी उससे ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि गुड्डन त्रिवेदी के पास कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा राज जरूर है विकास दुबे का, जिसको लेकर विकास दुबे परेशान था। और ग्वालियर में जो उसके सरेंडर करने की ये लोग योजना बना रहे थे, उसमें भी कोई ना कोई पेच गुड्डन त्रिवेदी का जरूर हो सकता है, जरूर फंसा था। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।